कौन सा डॉग यहाँ से गुजरा है? ओ नूरी, नूरी देख रही है बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। इसकी पूंछ ऊपर करे, ये देखिए। तेरे पास नहीं आऊंगा, जाऊं हैं? गोलू महाशय, गोलू ठीक हो? रोटी लाए हम लोग, अबे सारी की सारी खा गए। एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं। जय दोस्तों, आज की वीडियो में नूरी जाएगी सबसे पहले बाहर। मिस्टी और टाइसन का व्लॉग आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। जैले, जग्गे और गोलू और शांति से भी आपको आज मिलवाएंगे हम लोग, तो चलते हैं वीडियो में आज। तो अभी हमारी नूरी जा रही है घूमने घूमने। नूरी की शैतानी दिखाएं, ये देखिए जो इसका पट्टा है ना, पट्टा, ये देखिए क्या किया इसने। ये कोई भी चीज होती है इसी तरह से खा लेती है उसे। शैतान है ये, शैतान, बहुत बढ़िया। अभी इसे हम घुमाने लेके जाएंगे। और ये देखिए, उस दिन मैंने ड्रेस की बात की थी ना, इसने जो अपना जो स्वेटर है वो खराब कर लिया है। तो ये ड्रेस पता क्या है, वैसे तो पुरानी है, ये टाइसन पहनता था, कालू भी पहनती थी ये ड्रेस। जी हाँ, हमारी जब कालू थी ना, तो आप कह सकते हैं एक तरह की उसकी ड्रेस भी है ये। अभी इसे हम पहना के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइनली नूरी। अच्छी लग रही है यार, थोड़ा इसका कलर फेंट हो गया इस ड्रेस का, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं है। और नूरी अच्छी लग रही है यार, सुंदर लग रही है नूरी, सुंदर लग रही है नूरी, सुंदर लग रही है। चले चले नूरी, हाँ चलो, हाँ बोलते, हाँ हाँ लाडू ने जाना, लाडू। तो ये घूमने के नाम पे बहुत एक्साइटेड हो जाती है हमेशा। चल चलिए, चलाओ, चलो 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 चलो, ठहरो 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 ठहरो। नूरी जब भी बाहर आती है इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ये गंद बंद होता है ना जो, उसे उठाने की कोशिश कर हमेशा। चलो, और ये देखिए मल, पंजाबी में इसे मल कहते हैं, मल, गोबर की जगह। ये गोबर की जगह मतलब ये हमारा जैला, जग्गा, शांति, गोलू, ये उन्हीं का मतलब, उन्हीं की प्रोडक्शन है। चलो नूरी, नूरी ले, चलो। तो अभी नूरी मेम सब बिजी हैं, चेक कर रही हैं, ये सूंघ रही हैं कि कौन कौन सा डॉग यहाँ से गुजरा है। नूरी कौन है? चलो 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 चलो। अभी पता क्या, नूरी बच्ची है, छोटी है, जब ये बड़ी हो जाएगी ना, खींचातानी वाले डॉग्स होते हैं ना, ये लगभग वैसे ही बनेगी। ख्याल रखना पड़ता है हमें इन चीजों का। उधर क्या है? नूरी, नूरी। आज वेदर रिपोर्ट के मुताबिक बारिश की प्रिडिक्शन है, बिना लीश के आप इसे छोड़ ही नहीं सकते। वैसे एक बार मैं इनको जब जंगल में लेके गया था, जंगल ब्लॉक बनाया था, इसे खुला छोड़ा था, तो ये पीछे पीछे आ रही थी। रोड भी है ना पास में ही, जाके मेन रोड है, हाँ जंगल वाली साइड में छोड़ सकते हैं, वहाँ ये साथ में रहे। हवा चल रही है, तेज हो गई हवा, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। तो ये वही कुएं के पास आ गए दोस्तों। पिछला व्लॉग मैंने जो बनाया था, यहीं पे मिस्टी को लेके आया था, बताया था मैंने किस तरह ये कुआं होता था, लेकिन इसे ढकना पड़ा था, पशु गिर जाते थे इस वजह से। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो नूरी मेम साहब वही देख रही है। ओ नूरी, नूरी नूरी देख रही है बीच में कि क्या है। नूरी ये क्या है? हाँ जी नूरी, नूरी क्या पूछे? हाँ थोड़ी सी रोशनी आ रही है बीच बीच में, लेकिन कोई फायदा नहीं। दोस्तों नूरी पता क्यों रुकी हुई है? आवाज आ रही है, सुनो, ये भौंकने की आवाज मिस्टी की है, बहुत दूर तक पहुंच जाती है मिस्टी की आवाज। तो वही सुन रही थी नूरी की आवाज, पहचानी पहचानी लग रही है। तो इनके लिए जो वॉक्स होती है वो जरूरी होती है, तो दिन में जरूर समय निकालिए आप लोग, क्योंकि पोटी वगैरह करनी होती है इन्होंने। सिर्फ पोटी नहीं करनी होती यार, घूमना भी होता है, इनका भी हक होता है वो सब चीजें। कालो थी तब इनको तीनों को इकट्ठे लेके जाता था मैं, तो मैंने रूटीन बनाई थी सुबह जल्दी उठ के 5:30, तो टाइसन लीश के ऊपर होता था, मिस्टी और कालो वो खुली होती, लेकिन अभी समय बदल चुका है, डॉग्स बहुत हो चुके हैं इलाके में, तो दिक्कत होती है, तो मुझे इनको अलग अलग लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों देखा आपने सारी वीडियो में, आप देख सकते हो नूरी बस चेकिंग में ही बिजी है हमारी नूरी। ओ नूरी चलो घर चले, अब चलो दोस्तों घर पहुंच गए, चलो चलो उतारो ये सब गहने, चलो 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 चलो। टाइसन 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 टाइसन। दोस्तों अगर आप लोग ये सोचोगे कि नूरी का स्वेटर क्यों उतार दी, उसे थोड़ा थोड़ा टाइम हम लोग पहनाते ताकि वो सीख जाए, वरना वो फाड़ दे। और यहाँ पे पता क्या हो रहा है, मेरे पास कौन है? मिस्टी मिठू। ये देखिए ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ओ हाँ, ओ मिठू, ओ लाडू, ओए क्या कर दिया, ओए 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 खा लिया ओए। ये हमारी मिस्टी के खेल है, ये गेम है इनकी, इसी तरह से ये खेलती हैं। मिठू 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 मिठू, हाँ 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 हाँ। मिस्टी और टाइसन अच्छे, ये अपने कपड़े नहीं फाड़ते, टाइसन शुरू में करता था जब वो छोटा था, लेकिन अब नहीं। हाँ हाँ तो दोस्तों मैंने कहा था ना कि बारिश लगने वाली है, और ये देखिए बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि बारिश की प्रिडिक्शन है और बारिश हो रही है, और अभी हम लोग जा रहे हैं जग्गे के पास। जग्गे को एक दो रोटी खिलानी होती है, 3 टाइम खिलाई जाती है भाई साहब, उसी ओर जा रहा हूँ मैं। बारिश 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 लगी हुई है, शक्लों इनोसेंट लगते हैं कमने। ओहो, ये देखिए तूफान की वजह से ये जो कवरिंग्स लगाई गई थी वो फट गई हैं, ये भी लगानी पड़ेगी दोबारा मुझे। खैर कोई बात नहीं,
ये देखिए सभी लोग इसके अंदर पूरी तरह से पैक्ड हैं। बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया सारे। खैर कोई बात नहीं। हेलो बोल, कवरिंग की हुई पापा ने अच्छी तरह से, दोबारा करके जानी पड़ेगी। ओ है कोई, है कोई, हाँ। ओ हो गोहाई गोहा कीते आ, वो देखो जैला भाई साहब, हमारे जैला भाई साहब जल्लू। हाँ ले आओ, मजे लोगे मजे। अभी ये देखिए इसकी पूंछ ऊपर करें, ये देखिए ए पूंछ कर दी ऊपर। ओ जैलू जैलू, चलो बस जा रहा हूँ मैं, अब तेरे पास नहीं आऊँगा। जाऊँ है, जाऊँ के ना जाऊँ, नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। हाँ जैलू जैलू महाशय जैलू, ओ जैलिया जैलिया, ओ जैलिया यार तू बड़ा खराब हो गया है। हाँ अच्छा, बहुत समय हो गया दोस्तों, मतलब इनके व्लॉग्स बहुत कम आते हैं, तो अभी कंटिन्यूटी के साथ इनके भी व्लॉग्स हम लेके आएंगे। बस वैसे ही यू नो ठंड की वजह से ये ज़्यादातर समय अंदर रहते थे, और वैसे भी ये लोग यू नो जैसे आपने देखा बैठे हुए थे, उठ जाते हैं, बाहर कम ही निकाले जाते हैं ठंडी के कारण, थोड़ा समय निकाला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चल हमें बाकी को भी मिलना मुझे। हाँ जी हमारी शांति, हमारी शांति शांति हो। हाँ 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 जी, ये कौन है छुटकू है, ये मेरा छुटकू, हमारा जग्गा, मेरा जग्गा, जग्गा कहाँ है जग्गा। हाँ जग्गी, ओ जग्गी खाली किया है सब कुछ तुम लोगों ने हैं। ओ जग्गिया गोहा कीता है यार तुम, गोलू महाशय, हमारे गोलू महाशय, गोलू जी, गोलू ठीक हो, ठीक है गोलू। ओ गोलिया मूत्र विसर्जन हो रहा है, जग्गे के लिए रोटी लाए हैं हम लोग, हमारी जग्गी के लिए। अबे सारी की सारी खा गया एक बार में ही, खा गया, बड़ा हो गया जग्गा हमारा, जग्गा बड़ा हो गया। ये मेरा लड्डू है, लड्डू, ये लड्डू है, लड्डू बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, सारी सारी रोटी खा लेता है लड्डू। हैं भाई साहब क्या इतना बड़ा भी नहीं हुआ अभी, मैं बड़ा हुआ हूँ लेकिन अभी भी बच्चा हूँ, बच्चा है ना, अभी भी बच्चा है जग्गा भाई साहब, द सुपरस्टार जग्गा, हमारे चैनल के बहुत ही खास मेंबर हैं ये, बहुत सारी वीडियोस इनके ऊपर बनी हुई हैं, बहुत सारे व्यूज हैं उन वीडियोस के ऊपर, तो ये खास है भाई साहब। यार वो कहाँ पे है, इस साइड, ये उठाना पड़ेगा मुझे। दोस्तों ये गोबर वाला काम है ना जो अभी खत्म नहीं होता गाँव में। हाँ जी बहुत खराब है यार तू, अभी मैंने उठाया, अभी मैंने उठाया, तूने फिर कर दिया जैलिया, ये बहुत खराब है, अभी मैंने उठाया फिर से कर दिया। अच्छा आगे हो, आगे हो, ये इनके नीचे इस तरह से यू नो बिखेर के रखा जाता है, ये बैठते ही नहीं। एक तो इसका फायदा ये है ठंड में नीचे यू नो अच्छा रहता है, फर्श जो होता है वो ठंडा नहीं लगता। यार क्या कर रहा है तू जैले, हमारे छुटकू उस्ताद आप क्या कर रहे हो। ये देखिए दोस्तों बारिश में पता क्या दिक्कत होती है, गीला चारा ये पहले से मतलब कटाई करके रख लिया है, लाने की दिक्कत नहीं है, गीला हो जाता है ना फिर उसे सुखाना भी पड़ता है और यू नो रखना भी पड़ता है, तो बहुत दिक्कत रहती है, खास करके धूप नहीं निकल रही तो जो हरा बरसीन है वो भी लेट हो रहा है काफी, बहुत ज्यादा उसकी यू नो वो ग्रोथ जो चाहिए होती है पैदावार वो नहीं हो रही, तो परेशानियां हैं यार। तो अभी ये हम बाहर फेंक के आएंगे। दोस्तों गांव में ये डेली का काम होता है गोबर फेंकना, ये देखिए पहाड़ बन रहा है यहाँ पे पहाड़, और इस गोबर की भी कीमत होती है दोस्तों। इसको इसी तरह से एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं गिरा लेकिन गिर गया, कोई बात नहीं। हमारा तो ये एकदम शेड भी घर के पास है और ये गोबर की जगह भी, कई लोग तो यू नो खेतों में डायरेक्ट फेंकने जाते हैं, दूर होता है वो, तो वो और ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है तो आदत हो जाती है। अम्मा ले आए लकड़ियाँ, ओए दर्द हो दी है डेगी पिया, आहो मेनु सट लगी हो इथे, तभी मलना हां कुछ मलया मलया दवाई लेनी है हुन। आहो हां जी मी बड़ा लग गया, आराम करो आज। अच्छा आहो ए सट लगी गी हो मेनु, मेनु मारी का सेका दे, आहो ए मैं मलना सेका देना। लो दोस्तों गेट तक अभी पहुंचा ही हूँ और बारिश भी तेज हो गई है। ये देखिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए संतरे, ये छोटा छोटा साइज है लेकिन देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं ना, ये देखिए संतरे ही संतरे। घरों में लगाया कीजिए आप लोग भी इस तरह से, जरूरी नहीं आप गाँव में रहते हो तो तभी होता है, शहरों में आजकल बहुत अच्छी यू नो टेरेस फार्मिंग होती है, गार्डनिंग होती है। देखिए भरे हुए हैं कितने सारे हैं, छोटे छोटे हैं, ये अलग किस्म ही है लेकिन जो भी हो ऑर्गेनिक है ना घर के है, देख सकते हो आप लोग। ये गांव में हर घर में लगभग ऐसी कोई ना कोई चीज आपको मिल ही जाएगी। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बारिश फिर से तेज हो गई है और आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और मिलते हैं अगली बार दोस्तों। जय हिंद। शिमला वाले भाई साहब ठंड की वजह से अपने बिस्तर में बैठे हुए हैं, ठंड बढ़ी है ना, टिशू बाय बोल दो सभी को।
ओके बाय, जय हिंद, जय हिंद और बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है।